हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू टाटा टियागो 2020 के बारे में। और ये अभी आप टियागो का एक्सजेड प्लस वेरिएंट देख रहे हैं। टोटल चार वेरिएंट्स में आती है टाटा टियागो, XE, XT, XZ और XZ प्लस। और ये अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 4,70,000 से स्टार्ट होती है जो कि 6,74,000 तक जाती है। और जो इसका XZ प्लस वेरिएंट देख रहे हैं, इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 6,13,000 है। और ऑनलाइन लखनऊ की बात करें तो ये 6,95,000 तक जाता है। और अपने सेगमेंट की काफ़ी सेफेस्ट कार है टाटा टियागो, बिकॉज इसको एनकैप सेफ्टी रेटिंग में 4-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही अवेलेबल होती है, तो आपके पास काफ़ी चॉइसेस बढ़ जाती हैं इसको लेने के लिए। और काफ़ी टॉप सेलिंग हैचबैक कार है ये, और जब से टाटा ने इसको लॉन्च किया है काफ़ी इसकी सेल बढ़ गई है। और इसमें आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिल रहा है, 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो कि 1199 cc का होता है, जो कि 84 bhp की पावर देता है और 113 Nm का टॉर्क देता है। 21 की माइलेज लगभग आपको मिल जाती है टाटा टियागो में। ऐसे कुछ फ्रंट लुक्स आपको मिलते हैं टाटा टियागो में। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है टाटा टियागो की, आपको जो है फ्रंट देख के ही जो है इसको पता लगेगा। यहाँ पे आपको टाटा की ब्रांडिंग मिल जाती है और पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है फ्रंट में। सिल्वर फिनिश भी आपको दी हुई है जो लुक्स को और भी बेहतरीन कर देती है। नीचे आपको रेडिएटर ग्रिल दी जाती है ब्लैक फिनिश में, जिससे एयर फ्लो अच्छा रहता है इंजन के लिए। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ऐसा कुछ आपको साइड प्रोफाइल मिल जाता है टाटा टियागो में। यहाँ पे आपको ऐसे कुछ हेलोजन हेडलैम्प्स दिए हुए हैं विद टर्न इंडिकेटर। नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश में, तो इनका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है रात में, सिल्वर फिनिश में काफ़ी अच्छे लगते हैं फ्रंट से। गाड़ी की लेंथ की बात करें तो आपको 3.7 मीटर लेंथ मिल जाती है और जो गाड़ी की टोटल हाइट है 1.5 मीटर है। ऐसी कुछ आपको की मिल जाती है जिसमें लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प्स के बटन मिल जाते हैं। टाटा की ब्रांडिंग दी हुई पीछे, काफ़ी प्रीमियम की मिलती है आपको टाटा टियागो में। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको यहाँ पे 15 इंच के डायमंड के टोलाई व्हील्स मिल जाते हैं टाटा की ब्रांडिंग के साथ में, जो कि लुक्स को काफ़ी बेहतरीन बना देते हैं। टियागो के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ऐसे कुछ ORBMs मिल जाते हैं ब्लैक पियानो फ्लिस में, ऑटोमेटिक ORBMs हैं, लॉक अनलॉक करने पे फोल्ड हो जाते हैं। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन मिलता है आपको साइड से टियागो का। चलिए रियर प्रोफाइल देखते हैं टियागो की, तो आपको ऐसा कुछ पीछे पूरा ओवरऑल डिज़ाइन मिल जाता है टाटा टियागो में। बीच में टाटा की ब्रांडिंग दी हुई है, ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है। पीछे से भी गाड़ी काफ़ी बेहतरीन लगती है। पीछे ऐसे कुछ आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स, जिनका जो है डिज़ाइन भी काफ़ी बेहतरीन है। नीचे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग और टियागो की बैजिंग मिल जाती है। कैमरे की प्लेसमेंट भी यहाँ पर दी हुई है। ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लाइट दी हुई है, डिफॉगर मिल जाता है आपको और रियर वाइपर भी दिया हुआ है यहाँ पे। पीछे से काफ़ी बेहतरीन लगती है गाड़ी। चलिए इसका बूट खोल के देखते हैं, तो बूट जो है आगे से वो भी ओपन करना पड़ता है या चाबी से आपको ओपन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस मिल जाता है आपको, 242 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है टाटा टियागो में, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है स्टील लिम्स के साथ में। ऐसे कुछ पार्सल ट्रे दी हुई है जिसको आप हटा भी सकते हैं। गाड़ी की टोटल जो विथ है वो 1.6 मीटर है। पीछे के डोर्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं आपको डुअल टोन कलर में, सिल्वर फिनिश में आपको डोर ओपनर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं देखने में। यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे आपको स्पीकर एंड बोतल होल्डर की प्लेसमेंट मिल जाती है। ऐसा कुछ पूरा डिज़ाइन है अंदर इंटीरियर का। चलिए बैठ के देखते हैं कितना क्या स्पेस है टाटा टियागो में। तो टाटा टियागो का जो है लेगरूम काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हुआ मैं। पीछे आपको कोई भी रियर एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलती है,
कुछ स्पेस मिल जाता है कॉइन वगैरह रखने के लिए। पीछे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, छोटा मोटा हल्का फुल्का सामान आप रख सकते हो। ऐसा कुछ इंटीरियर दिखता है पीछे से टाटा टियागो का। बिल्ड क्वालिटी के मामले में आप जब टाटा टियागो में रियल लाइफ में बैठोगे तो आपको फील होगी इसकी बिल्ड क्वालिटी। ऊपर आपको लाइट्स मिल जाती हैं, रीडिंग लाइट्स, जो कि वाइट कलर में है। चलिए आगे के डोर्स पे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ स्पेस और क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री वगैरह नहीं मिलती है। ऐसा कुछ आपको डोर मिल जाता है, फ्रंट डोर डुअल टोन कलर में। यहाँ पे आपको पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स और सिल्वर फिनिश में आपको डोर ओपनर मिल जाता है। लॉक अनलॉक के बटन और पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इधर ORBM को एडजस्ट एंड फोल्ड करने के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे आपको बॉटल होल्डर और स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। ऐसे कुछ फैब्रिक एपॉक्सी आती है टाटा टियागो में। मैनुअल सीट्स मिल जाती हैं आपको। यहाँ पे फ्लूइड ओपनर मिल जाता है। ऐसे कुछ AC वेंट्स दिए हुए हैं। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है इंटीरियर का। चलिए बैठ के देखते हैं और गाड़ी को करते हैं ऑन। काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है टाटा टियागो का, अपने सेगमेंट की काफ़ी बेहतरीन और जिस प्राइस रेंज में आती है तो काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आती है टाटा टियागो। ऐसा कुछ स्टेयरिंग आपको मिल जाता है जिसकी ग्रिप काफ़ी बेहतरीन है। ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको मिलता है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको डिजिटल स्पीडो और टैकोमीटर मिल जाता है। बीच में MID मिल जाती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ऐसा कुछ स्टेयरिंग दिया हुआ है जिसमें आपको सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इधर बीच में टाटा की ब्रांडिंग दी हुई है। ऐसे कुछ AC वेंट्स दिए हुए हैं। विजिबिलिटी भी काफ़ी बेहतरीन है और डैशबोर्ड जो है काफ़ी बड़ा मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपको 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ सपोर्ट करता है। 4 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं इसमें। नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है टाटा टियागो में। यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और USB पोर्ट मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपको 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है इसमें। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इधर आपको ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स दिया हुआ है टियागो में, कूल ग्लव बॉक्स है ये। डुअल टोन कलर में इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगता है टियागो का और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ऊपर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ पे आपको मैनुअल डे नाइट IRB मिल जाता है। यहाँ पे इधर आपको मिरर नहीं मिलता है। काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन और मॉडर्न लुक्स के साथ आता है इसका इंटीरियर। अगर सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो ABS विद EBD, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और 2 एयरबैग मिलते हैं आपको टाटा टियागो में। टोटल 6 कलर्स के साथ आती है टाटा टियागो, ग्रे, सिल्वर, वाइट, ब्लू, रेड और येलो। तो अपने सेगमेंट की काफ़ी बेहतरीन हैचबैक कार है, बिकॉज ये जिस प्राइस रेंज में और जिन फीचर्स के साथ आती है वो कस्टमर्स के लिए काफ़ी जो है कंफर्टेबल हो जाता है इसको लेने के लिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू पुनीत ऑटोमोबाइल्स दुबग्गा लखनऊ, जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी टाटा कार्स, विजिट दिस शोरूम। और कैसी लगी आपको टाटा टियागो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने आपका धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thank you.